जब भी कोई यूनिवर्सिटी दोस्तों बनती है तो यूनिवर्सिटी बनते ही यूजीसी की मान्यता मिलते ही यूनिवर्सिटी को बाय डिफॉल्ट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, सभी तरह के यूजी पीजी प्रोग्राम्स, रिसर्च मतलब पीएचडी, इन सब में एडमिशन लेने की परमिशन मिल जाती है। तो वही गजट में आया यूजीसी के अनुसार यूनिवर्सिटी के पास गजट ऑफ यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर जो मेंशन किया है यूनिवर्सिटी ने गजट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ में AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है कि यूनिवर्सिटी AIU की मेंबर है, यहाँ पे डिटेल्स उसकी डली हुई है। साथ में ही यूजीसी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी यूजीसी के बारे में मैंने आपको बताया, यूजीसी का अप्रूवल होना जरूरी है, यूजीसी का भी अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास। उसके अलावा दोस्तों राजस्थान में हम बात करें तो इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अभी चल रही हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और जो भी कुछ फ्यूचर में आप करना चाहते हो वो आप बन सकते हो। सिर्फ राजस्थान की हम बात करें दोस्तों तो टोटल 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं और पूरी अपने देश में अभी यूजीसी के अनुसार 440 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। जितनी टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन्हीं सब यूनिवर्सिटीज में से एक नाम आता है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि जयपुर में स्थित एक यूनिवर्सिटी है, इसको लेकर स्टूडेंट्स ने कई सारे सवाल पूछे कि इस यूनिवर्सिटी के बारे में हम कंप्लीट एक वीडियो बनाएं जिसमें आपको पूरा कुछ हम बताएं, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल कौन कौन से हैं, यूनिवर्सिटी ये कब बनी है, यूनिवर्सिटी को हम यूजीसी पर कैसे चेक करें, अप्रूवल्स हम कैसे चेक करें। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। यूनिवर्सिटी कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकती है, अभी 2023 में यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है, ऐसे बहुत सारे सवाल है दोस्तों आप लोगों के दिल में जो आपने हमसे पूछे और आप एक वीडियो चाहते हैं। पर उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने देश में चल रही हैं वो सभी रेगुलेट की जाती हैं यूजीसी के द्वारा। यूजीसी के बारे में भी अभी हम जिक्र करेंगे आगे आगे अपने इस वीडियो में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी हैं, आप इन यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं, जरूरी नहीं आप सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लें। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि हमने पहले भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर और राजस्थान में जो टोटली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं जितनी भी, उनमें से कई सारी यूनिवर्सिटीज पर अब तक हम वीडियो बना चुके हैं आपके आसपास की, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के आसपास जो जयपुर में और भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं उन पर हमने डिटेल में वीडियोस बनाई हैं अपने इसी चैनल पर। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वैसी ही एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जैसी बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं। अब दोस्तों यहाँ जैसे आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर पहुंचते हैं universityoftechnology.edu.in पर, तो इस वेबसाइट पर आने के बाद में यूनिवर्सिटी का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स और कौन कौन से हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास ये अप्रूवल्स तो हैं जो अप्रूवल्स करवाने की बात कर रहे हैं। अप्रूवल्स आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से पूरी तरह से डिटेल में मिलेंगे नहीं, उसका एक बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे नीचे इन्होंने अपना प्रोस्पेक्टस मेंशन किया हुआ है, प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड कर ले और वहां से आपको इसके अप्रूवल्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। अब दोस्तों इस प्रोस्पेक्टस के अनुसार जो यूनिवर्सिटी के पास और जो अप्रूवल्स हैं, जैसे कि गजट ऑफ यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, इसमें 2017 का है जिसमें कि किसी भी स्टेट का एक क्लियरेंस लेना होता है, वो भी डिटेल यहां मेंशन है। सेक्शन 2F के तहत ये यूनिवर्सिटी बनी, यूजीसी एक्ट 1956 का जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो बनती हैं वो सेक्शन 2F के तहत बनती हैं, क्योंकि जब भी कोई यूनिवर्सिटी दोस्तों बनती है तो यूनिवर्सिटी बनते ही यूजीसी की मान्यता मिलते ही यूनिवर्सिटी को बाय डिफॉल्ट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, सभी तरह के यूजी पीजी प्रोग्राम्स, रिसर्च मतलब पीएचडी, इन सब में एडमिशन लेने की
परमिशन मिल जाती है। तो वही गजट में आया यूजीसी के अनुसार यूनिवर्सिटी के पास गजट ऑफ यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर जो मेंशन किया है यूनिवर्सिटी ने गजट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ में AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है कि यूनिवर्सिटी AIU की मेंबर है, यहाँ पे डिटेल्स उसकी डली हुई है। साथ में ही यूजीसी, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी यूजीसी के बारे में मैंने आपको बताया, यूजीसी का अप्रूवल होना जरूरी है, यूजीसी का भी अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास। उसके अलावा डी फार्मेसी अप्रूवल बाय PCI, मतलब PCI दोस्तों फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेने के बाद कोई भी एक यूनिवर्सिटी डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी जैसे कोर्सेज चला सकती है। एक कोर्स और होता है फार्म डी, वो एक अलग तरह कोर्स होता है, बट ये कोर्स यूनिवर्सिटी चला सकती है। यूनिवर्सिटी ने हालांकि और डिटेल में अपने बारे में यहाँ पे मेंशन किया नहीं है, वो तो जब भी प्रोस्पेक्टस हमारे पास फिजिकली आएगा आपको बताएंगे जरूर, या फिर और भी डिटेल में आप जानना चाहते हैं PCI के बारे में ही तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने ज्यादा अप्रूवल्स के बारे में दोस्तों मेंशन किया ही नहीं है। तो ज्यादा अप्रूवल्स क्या है, हो सकता है यूनिवर्सिटी के पास ज्यादा अप्रूवल्स ही ना हो, तो अगर ऐसा है तो जो अपकमिंग वीडियो होगी उसमें हम डिटेल में जरूर लेके आएंगे चीजों को, और आपके सब तरह के डाउट्स को हम क्लियर जरूर करेंगे। बहुत डिटेल में यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको जानकारी दोस्तों मिलेगी नहीं, और साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं, यूनिवर्सिटी 17 में बनी है, लगभग यूनिवर्सिटी को 7-8 साल हो चुके हैं, तो जो और अच्छे अप्रूवल्स यूनिवर्सिटी के पास होने चाहिए थे वो सब अप्रूवल्स फिलहाल यूनिवर्सिटी के पास है नहीं, बट फिर भी यूनिवर्सिटी के पास जितने कुछ अप्रूवल्स चल रहे हैं, जितने कुछ कोर्सेज हैं, उतना एक यूनिवर्सिटी चल सकती है, उतने में एडमिशंस ले सकती है, उतने में यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह से चला भी सकती है। बाकी दोस्तों हम बात करें यूनिवर्सिटी के किसी भी तरह के, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स यूनिवर्सिटी लाती है, किस तरह से स्कॉलरशिप लेंगे, सभी यूनिवर्सिटीज लगभग जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं स्कॉलरशिप चलाती हैं, ये यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप पर एडमिशन लेती होगी, फीस में आपको डिबेट जरूर देती है, इसके बारे में भी बहुत जल्दी हम वीडियो लेकर आएंगे, कौन कौन से स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी के पास चलते हैं, उन सभी वीडियोस का इंतजार करें। और साथ ही कोई भी सवाल अगर आपके दिल में है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर, सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस कॉलेज, किस कोर्स या किस यूनिवर्सिटी पर चाहते हैं आप जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो लेकर जरूर आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो आज का वीडियो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।